दोस्तों, लगभग आज से 6 महीने 7 महीने पहले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे क्लाइंट मेरे पास आए जिन्होंने मुझे यही कहा कि आप कृपया मेरी कुंडली देखें और बताएं कि मेरे सर पर ये जो कर्जा चढ़ा हुआ है, करोड़ों का, लाखों का, जो भी है, वह कैसे दूर हो सकता है। मैं किसी चीज़ से परेशान नहीं हूँ जितना इस कर्ज से परेशान हूँ। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मुझे कुछ योग दिखाई दिए जिसके कारण व्यक्ति कर्जाई हो जाता है, दिनों दिन उसके जीवन में कर्ज बढ़ता जाता है। अब मैं उन योगों की सबसे पहले बात करूंगा, फिर मैं कर्जे का उपाय बताऊंगा, कर्जा उतारने का। नीच मंगल, मंगल नीच होते हैं हमेशा जब 4 नंबर राशि में वह प्रवेश कर जाते हैं जन्म समय में। अब मंगल नीच वाले बहुत रिच फैमिली से भी होते हैं, अच्छा पैसा भी उनके पास होता है, तो फिर ये कर्ज क्यों हो जाता है? कर्ज केवल उनको होता है जिनका मंगल नीच होकर के पहले भाव में, प्रथम भाव में, उसके बाद तीसरे भाव में, क्योंकि पहले भाव से बैठ करके चौथे भाव में मंगल की दृष्टि जाएगी, नीच मंगल की, और चौथा भाव होता है सुख का, तो वहाँ पर सुखों में व्यक्ति के बाधा पैदा कर देता है मंगल ग्रह। अब तीसरे भाव में यदि मंगल होंगे तो तीसरा भाव होता है पराक्रम का, व्यक्ति मेहनत करता है, पराक्रम करता है, अपने एफर्ट लगाता है अपने काम में, और तीसरे, 3, 4, 5, 6 तीसरे घर से बैठ करके नीच मंगल छठे भाव को देखता है जो कि व्यक्ति के जीवन में कर्जा उत्पन्न कर देता है। अब उसके बाद 11वां भाव आता है, जब 11वें भाव में यानी इनकम वाले भाव में, आय वाले भाव में, लाभ वाले भाव में मंगल नीच होकर के बैठ जाए, ऐसे में व्यक्ति के पास पैसा तो खूब आता है, लेकिन आप उसको काउंट करें, जब मंगल अपनी दृष्टि, चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के पास जो पैसा आता है, आगे जाके व्यक्ति कर्जाई हो जरूर हो जाता है, उसको पैसे चुकाने मुश्किल हो जाते हैं। अब अंतिम भाव की बात करता हूँ, 12वां भाव। 12वां भाव आप सभी जानते हैं भय का होता है, लॉस का होता है। यहाँ पर नीच मंगल व्यक्ति को कर्जाई बनाता है, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ मंगल 12, 1, 2, 3 तीसरे भाव को देखता है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, तो पराक्रम भी कराता है और व्यक्ति को कर्जाई भी बना देता है, क्योंकि वहाँ पर लॉस होना शुरू होता है और व्यक्ति को कर्जा लेने पे व्यक्ति मजबूर हो जाता है। अब दूसरे, यदि हम देखें दूसरी चीज़ों में, तो मंगल के साथ, नीच मंगल के साथ कभी भी केतु बैठ जाए और राहु की दृष्टि पड़ेगी, इससे भी व्यक्ति के ऊपर कर्जा अट जाता है। इसके अलावा मंगल के साथ, नीच मंगल के साथ नीच के शुक्र बैठ जाएं जो कि धन प्रदान करते हैं, ऐसे में व्यक्ति के पास धन तो आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों ग्रह मिल जाएं, नीच ग्रह, तो व्यक्ति कर्जाई हो जाता है। तो ये कुछ योग हैं, यदि यह हमारी कुंडली में बनते हैं तो यह पक्का मान के चलें कि आज नहीं तो कल जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, या गोचर में एक साथ नीच ग्रह इकट्ठे होंगे तो व्यक्ति कर्जाई होना शुरू हो जाता है। अब व्यक्ति का जो पैसा फंस जाता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा पैसा फंस गया है, सामने वाला व्यक्ति देने पे नहीं आ रहा, तो दोस्तों इसका भी एक रीज़न होता है, कोई चीज़ हमारी पहले से तय हुई होती है कि ये फ्रॉड हमारे साथ होगा, ये धोखा हमारे साथ होगा। जब भी राहु के साथ शुक्र बैठे हों और शुक्र नीच के हों, तो ऐसे में ये मान के चलें, भाव भी बताया था मैं आपको, चौथे भाव में नीच के शुक्र के साथ राहु बैठे हों, छठे भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ठगियां बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, खास करके उनका कोई अपना ही मित्र, चाहे वह मेल है या फीमेल है, वह व्यक्ति से पैसा लेता है और दोबारा व्यक्ति फ़ोन पे फ़ोन, बात पे बात करता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पैसे वापस करने का नाम नहीं लेता। ये तो रही कुछ कुंडलियों की बातें, लेकिन आज मैं आपको, चाहे आप लाखों के करोड़ों के कर्जे में हैं, उसका एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ, उसको करें तो आपको लाभ होगा। यदि आपका पैसा किसी कहीं पर फंस चुका है और आप बहुत कोशिश करने पर भी आपको पैसा वह व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी एक रामबाण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, कोई भी मैं उपाय बताता हूँ,
उसको, यदि आपके जीवन में वह समस्या है तो उसको अवश्य करें, क्योंकि मैं कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं बताऊंगा आपको जो आपके जीवन को बदल देंगे, ऐसे ही उपाय बताता हूं। और चैनल को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बताने जा रहा हूं वह मैं जिनके ऊपर लाखों का या करोड़ों का कर्जा है, तो वह उस कर्जे को कैसे दूर करें। दोस्तों, कर्जा दूर करने के लिए सबसे पहले हमें उपाय करना पड़ता है। उपाय से क्या होता है, व्यक्ति का काम दौड़ता है, जो काम व्यक्ति कर रहा होता है वह काम 100 गुना दौड़ना शुरू हो जाता है, यानी जब उसके पास धन आएगा तो वह कर्जे को चुकाएगा। तो जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसको नोट करें जिनके ऊपर भी कर्जा है। एक बार मात्र मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करना है, मात्र एक बार, और पूरे श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ इस उपाय को करें, और रिजल्ट आप 48 घंटे के बाद देखना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि 48 घंटे में आपका काम हो जाएगा, 48 घंटे में इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उपाय करने के बाद आपको मंगलवार के दिन, कोई भी मंगलवार हो, कोशिश करें श्राद्ध पक्ष आ रहा है उसमें बीच में ना करें, 17 से लेकर के 15 दिन तक, उससे पहले या नवरात्रि में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो श्राद्ध आते हैं इसमें हमारे पितृदेव पितृलोक से हमारे घर में प्रवेश होते हैं, उस समय कोई उपाय इस प्रकार के नहीं करने चाहिए। आप केवल नवरात्रों में, जो आश्विन नवरात्र आएंगे और अभी जो गणेश उत्सव चल रहा है इसमें भी आप कर सकते हैं, जो भी मंगलवार आएगा। लाल कपड़ा लें, उसका साइज का कोई समस्या नहीं है, इतना साइज आना चाहिए उस आपके लाल कपड़े का कि 125 ग्राम सौंफ उसमें आ जाए। 125 ग्राम सौंफ आपने लाल कपड़े के ऊपर रख देनी है मंगलवार के दिन। यह कार्य आपको प्रातः से लेकर के संध्या होने तक आपको करना पड़ेगा, इसको अंजाम देना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब एक मंगल यंत्र, जो कि मैंने स्क्रीन में शो किया है, इसको एक प्लेन पेपर पर आपने लाल रंग के स्केच से या पेन से, आपने एक लाल पेन से या स्केच से एक प्लेन पेपर पर, वाइट पेपर पर बना देना है। इस यंत्र को बना करके छोटी सी पर्ची उसी सौंफ के साथ में आपने बीच में रख देनी है, यानी नीचे यंत्र आ जाएगा, ऊपर से सौंफ डाल दे। इसके बाद अब क्या करना है, अब आपको कर्जा जहाँ से चुकाना है उस जगह का नाम एक अलग स्लिप में रख दें, या फिर मंगल यंत्र के बैक साइड में जिसको आपने कर्जा चुकाना है उनका नाम लिख दें। इतना समझ आ गया होगा आपको, सौंफ और एक यंत्र जो मैंने दिया है, उस यंत्र के बैक साइड में ही उन व्यक्तियों का नाम जिनको आपने कर्जा चुकाना है, पैसे देने हैं, चाहे वह कोई कंपनी है, चाहे कोई व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति, तो उसको आपने कर्जा चुकाना है, उसका नाम उसके बैक साइड में लिख देना है। अब क्या करना है, अब उस पोटली को आपने बांध देना है। बांधने के बाद आपको यदि हनुमान चालीसा आती है तो हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, उसको अपने आप हाथ में रख करके, यदि नहीं आती तो 11 बार बोले जय श्री राम जय श्री राम, इस प्रकार से 11 बार बोल दें। अब उस पोटली को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज, अब कई लोग पूछते हैं एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, कई लोग, हर कोई नहीं पूछता, तो लेफ्ट ईयर जो हमारा बायां कान होता है वहाँ से पीछे को ले जा करके दाएं कान की तरफ आगे को ले आएं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, उल्टा घुमाना। तो 11 बार उसको उल्टा घुमाना है, और उसके बाद आपने घर से बाहर चले जाना है, ऐसी जगह जाएं जहाँ पर बड़े आराम से आप उसको दबा सके। यदि कोई भी व्यक्ति इसको बट वृक्ष के नीचे दबा देते हैं तो बहुत जल्दी उनको प्रभाव दिख जाता है। बट वृक्ष जिनकी बड़ी बड़ी लताएं होती हैं, जटाएं होती हैं, लमकती होती हैं लंबी लंबी, तो उसको बट वृक्ष कहते हैं। तो बड़ के वृक्ष के नीचे यदि आप इसको दबा देते हैं, चुपचाप दबाना है, और दबाने के बाद उस औजार को वहीं पे फेंकाएं और आते समय पीछे मुड़कर ना देखें, तो यह सबसे ज़बरदस्त उपाय होगा जितने भी मैं आगे उपाय बताने वाला हूँ। दूसरे नंबर में, यदि आप वहाँ पर दबा नहीं सकते तो किसी नदी नहर के किनारे जो मिट्टी होती है वहाँ पर खोदें, वहाँ पर दबा करके वापस आ जाएं, औजार वहीं पर रख करके आ जाएं। यानी जो औजार आप लेकर के जाएंगे उसको अपने साथ में लेकर के नहीं आना है आपको। आने के बाद अपने हाथ पैर धो लें, मुँह धो लें, इतना बस आपको काम करना है। ये तो रही जिनके ऊपर कर्जा है, चाहे लाखों का है चाहे करोड़ों का है,
सारी विधि मैंने आपको बता दी है। कई लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप कृपया वीडियो स्किप करके ना देखें, यहीं पे समझ लें, क्योंकि वहाँ पर मेरे को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं केवल आपके कमेंट को लाइक करता हूँ। और अब बताने जा रहा हूँ मैं उनके लिए उपाय जिनका पैसा किसी ने दबा रखा है, किसी ने लिया फिर मुड़ के देने का नाम नहीं लिया, या कुछ पैसे आपके पास वापस आ भी गए होंगे लेकिन कुछ व्यक्ति ने दबा लिए। जितना मर्जी आपका पैसा किसी ने दबाया है, आपने उपाय यही करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भी आपने मंगलवार का दिन देखना है। मंगलवार के दिन एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 125 ग्राम सौंफ रखनी है, मंगल यंत्र लेना है, वैसे मंगल यंत्र जो मैंने स्क्रीन में दिखाया है उस मंगल यंत्र को बना लें। बैक साइड में सबसे पहले अपना नाम लिखें, प्लस डाल करके, प्लस का साइन जो होता है जोड़ कर साइन, उसको डालें, फिर उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिससे आपने पैसा लेना है, धन लेना है। अब उसको भी सौंफ के बीच में ही बंद कर दें। बंद करने के बाद अपने ही सिर से 7 बार उसको उतार दें। अब इसको हनुमान जी के मंदिर में रख के आ जाएं, या फिर चलते हुए पानी में प्रवाह कर दें। दबाना कहीं नहीं है क्योंकि आपका नाम आ रखा है इसमें, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। दबाने वाला सिस्टम और चीज़ों में होता है, ये लॉजिक होते हैं, ऐसे कभी भी कोई चीज़ नहीं दबाई जाती, इससे नुकसान हो जाता है। यदि आपने पैसा लेना है, आपका नाम उसमें ऐड है, तो बिल्कुल दबाना नहीं है, या तो मंदिर में हनुमान जी के बाएँ चरण की ओर चरण में रख दें उसको, पोटली को, या फिर आप उसको जल प्रवाह कर दें। यह कार्य आप कर सकते हैं। यदि इनमें से भी कोई पॉसिबल नहीं है, बट वृक्ष में किसी मौली में बांध करके उस पोटली को ऊपर किसी शाखा में लटका दें, ऐसा करके वापस आ जाएं और 48 घंटे के बाद आप स्वयं इसका रिजल्ट देखें। और दोस्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।